दोस्तों, दुनिया में मौजूद सड़कें इंसानों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का एक अहम जरिया समझी जाती हैं। और आप जब भी मोटरवे या हाईवे पर सफर करते हैं तो आपको वहां बाकी ट्रैफिक से भी आमना सामना करना पड़ता है। लेकिन दुनिया में मौजूद कुछ सड़कें इतनी बिजी और कम्प्लेक्स हैं कि कई बार तो वहाँ ड्राइवर्स को घंटों ट्रैफिक में रुकना पड़ जाता है। आज की वीडियो में भी हम दुनिया में मौजूद 10 सबसे बिजी और कम्प्लेक्स रोड का बताने जा रहे हैं, और इन्हीं में हमारे पाकिस्तान का एक रोड भी शामिल है जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आने वाले नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, ननपू ब्रिज रोड। दोस्तों, दुनिया का ये बिजी और मोस्ट कॉम्प्लेक्स रूट चाइना की सिटी शंघाई में मौजूद है। इस ब्रिज को 1998 में शंघाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने बनाना स्टार्ट किया और करीब 5 साल के बाद 1992 में ट्रैफिक के लिए खोला गया। ननपू ब्रिज एक यूनिक सर्कुलर इंटरचेंज है जो की 3 डायरेक्शनल ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। 2006 में इस ब्रिज के ऊपर से एक दिन के अंदर 1,30,000 के करीब गाड़ियों ने पास किया, जो कि इस ब्रिज से गुजरने वाला एक रिकॉर्ड ट्रैफिक नंबर माना जाता है। इस इंटरचेंज का टॉप से व्यू बहुत ही कमाल का है। नंबर 9, जज हैरी क्रॉस रोड। दोस्तों, दुनिया का 9वां बिजी ट्रैफिक रूट यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया में है। इस बिजी इंटरचेंज को 1992 में ट्रैफिक के लिए कम्प्लीट ओपन किया गया। इस इंटरचेंज पर रोड के ऊपर इतनी रोड बनी है की नाइट ड्राइवर तो यहाँ आके कंफ्यूज ही हो जाते हैं। जज हैरी क्रॉस रोड इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैक इंटरचेंज माना जाता है, यानी इस इंटरचेंज को यूएसए की तमाम बड़ी नेशनल हाईवेज आके लिंक होती हैं। इस इंटरचेंज से डेली ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं, जो वाकई में बहुत ही ज्यादा हैं। नंबर 8, 4 लेवल इंटरचेंज रोड। दोस्तों, ये बिजी इंटरचेंज रोड यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया में मौजूद है। ये दुनिया का सबसे पहला स्टैक इंटरचेंज है, यानी इस इंटरचेंज को चारों तरफ से 4 डिफरेंट नेशनल हाईवे आके मिलती है, जिसकी वजह से डेली इस इंटरचेंज से लाखों की फिगर में ट्रैफिक पास करती है। इस ब्रिज को ट्रैफिक के लिए 1953 में ओपन किया गया। 2002 में इस ब्रिज की मरम्मत के लिए से सिर्फ 2 दिन के लिए बंद रखा गया, लेकिन तब पूरी स्टेट कैलिफोर्निया के अंदर यूएसए की हिस्ट्री का बदतरीन ट्रैफिक जाम रिकॉर्ड किया गया। इस इंटरचेंज का रूट यूएसए का बिजी तरीन रूट माना जाता है। नंबर 7, क्वांगचू इंटरचेंज रोड। दोस्तों, ये इंटरचेंज चाइना के सूबे जुईजू में 2018 में कम्प्लीट करके ट्रैफिक के लिए खोला गया। ये इंटरचेंज बिजी होने के साथ साथ दुनिया का सबसे कम्प्लेक्स इंटरचेंज है, क्योंकि इस पर आए ड्राइवर ने अगर गलती से भी कोई एक गलत रूट चूज कर लिया तो फिर उसे यू टर्न लेने के लिए तकरीबन 7-8 किलोमीटर तक तो स्ट्रेट ही जाना पड़ता है। इस बिजी इंटरचेंज को 2 बहुत ही खूबसूरत हाईवेज भी आके मिलती हैं, जिनके दोनों एंड टनल से होके मेन सिटी को जाके लगते हैं। नंबर 6, दुबई क्रॉस रोड। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे मॉडर्न और बिजी इंटरचेंज है, जो की दुबई के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इस इंटरचेंज को दुबई को जाने वाली सब मेन रोड आके लगती है। दुबई क्रॉस रोड को यूज करके आप दुबई की किसी भी मेन जगह पर पहुँच सकते हैं। दुबई क्रॉस रोड यूं तो ट्रैफिक के लिए 2002 में ओपन किया गया, लेकिन इसकी मॉडर्न फॉर्म 2015 तक कंप्लीट हुई। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस इंटरचेंज से डेली 1-2 लाख के करीब ट्रैफिक मूव करती है, जो कि नंबर में वाकई में बहुत ज्यादा है। नंबर 5, ओयामा साकी इंटरचेंज रोड। दोस्तों, सड़कों का ये सांप नुमा जाल जापान की सिटी ओसाका में है। ये इंटरचेंज इतना बिजी है की अगर इमरजेंसी में आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ जाए तो उसके लिए इस पर अलग से एक ट्रैक बनाया गया है। ये इंटरचेंज जापान का सबसे ज्यादा ब्रेन यूज करने वाला इंटरचेंज है और इसको ओसाका सिटी की तमाम बड़ी रोड्स आके ज्वाइन करती हैं। इस इंटरचेंज पर आप एक खास लिमिट से स्लो गाड़ी भी नहीं चला सकते, वरना ट्रैफिक का रश लग जाता है। नंबर 4, स्प्रिंगफील्ड इंटरचेंज रोड। दोस्तों, सड़कों का ये इंटरचेंज यूएसए की स्टेट वर्जीनिया में है, जिससे डेली लगभग 2 लाख के करीब गाड़ियाँ गुजरती है। इस इंटरचेंज के बिजी होने का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा लें की जब 1960 में इसे ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया तो इस इंटरचेंज को सिर्फ एक हाईवे लगती थी, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से इस इंटरचेंज को टाइम के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अपडेट किया गया और प्रेजेंटली ये दुनिया का लंबा और मोस्ट कम्प्लेक्स इंटरचेंज भी माना जाता है। इस इंटरचेंज पर इतने टर्न्स हैं कि कोई नया ड्राइवर तो इसी इंटरचेंज पर ही गुम हो जाए। नंबर 3, फैजाबाद इंटरचेंज रोड। दोस्तों, आपने अभी तक जितनी भी इंटरचेंज और रोड देखी वो बिजी होने के साथ साथ काफी कम्प्लेक्स भी थी, लेकिन पाकिस्तान के जोड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद को जोड़ने वाले इंटरचेंज का डिजाइन दिखने में तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बिजी सड़कों का जाल है। इस इंटरचेंज से डेली लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। इस इंटरचेंज की वैल्यू आप यहां से भी लगा लें कि जिस भी सियासी पार्टी को गवर्नमेंट पर गुस्सा उतारना होता है वो फौरन से पहले इस इंटरचेंज को ब्लॉक करके धरना दे देती है, इसीलिए इस इंटरचेंज पर 24 घंटे पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। नंबर 2, मार्केट क्रॉस रोड। दोस्तों, दुनिया का दूसरा बिजी ट्रैफिक रूट यूएसए की सिटी विस्कॉन्सिन में है। 1990 में इसे एक आम रोड के तौर पर डिजाइन किया गया था, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से 2004 तक इसे काफी
काफी बड़ा कर दिया गया और इस टाइम इस इंटरचेंज से डेली 40,000 के करीब गाड़ियां गुजर के जाती हैं। नंबर 1 सागा मियारा टनल इंटरचेंज रोड। दोस्तों ये कम्प्लेक्स और खूबसूरत इंटरचेंज जापान की सिटी सागा मियारा में है। ये एक टनल इंटरचेंज है क्योंकि इस इंटरचेंज को आने और जाने वाली सभी रोड टनल के अंदर ही जाती है। इस इंटरचेंज को टॉप से देखने पर सभी रोड बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाली है। इस इंटरचेंज को 2012 में कम्प्लीट डिजाइन किया गया था ताकि सागा मियारा सिटी के अंदर आने वाली ट्रैफिक को इजीली कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों ये तो थे दुनिया के मोस्ट बिजी ट्रैफिक रोड्स या फिर इंटरचेंज। आप इनमें से किस रोड पर जाके सफर करना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक फी इमानिल्लाह।